हेलो मेरे किचन मास्टर, आज मैं लेकर आई हूँ पनीर पकौड़ा का रेसिपी। तो दोस्तों, मेरे घर बन रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना इसका वीडियो आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ कि आप सब भी इस मौसम में पनीर पकौड़ा बना सकें और खा सकें। दोस्तों, ये घर का पनीर है तो मैं पूरे पनीर का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। आधे पनीर से बनाऊँगी पनीर पकौड़ा, आधे पनीर का मैं सब्जी बनाऊँगी। तो आप जो भी पनीर लिए हैं, घर का या बाहर का, तो आप उसको पहले कट कीजिए। अगर आपको बड़ा बड़ा पीस कट करना है तो बड़ा बड़ा कीजिए, छोटा कट करना है तो छोटा छोटा भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं बड़ा बड़ा पीस कट कर रही हूँ। तो मैंने पनीर को कट कर लिया। अब चलिए आगे मैं आपसे बताती हूँ कि आपको क्या क्या लेना होगा पकौड़ा बनाने के लिए। तो मैंने लिया है एक बाउल। बाउल में मैं डाल रही हूँ बेसन। बेसन के अंदर मैं डाल रही हूँ सूजी। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो 2 चम्मच इसमें बारीक वाला सूजी डाल सकते हैं। अगर सूजी नहीं है तो चावल के आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। दोस्तों, चावल के आटा डाल रहे हैं तो 1 चम्मच डालिए, सूजी डाल रहे हैं तो 2 चम्मच डालिए। हल्दी पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, तीखा अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो 2 चम्मच डालिए। अब इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आपको क्या डालना होगा? अजवाइन। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, धनिया पत्ता, टेस्ट अनुसार नमक। अब इन सबको सही से मिक्स करना है। तो एक बार में पानी डायरेक्ट नहीं डालना है, आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको सही से मिक्स कीजिए। दोस्तों, पेस्ट को गाढ़ा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। मैं आपसे दिखाऊंगी कि पेस्ट आपको कैसे बनाना है। तो आप देख सकते हैं पेस्ट जो है तैयार हो गया। देखिए दोस्तों, आपको थिकनेस इतना ही रखना है। तो मैं आपसे चेक करके दिखाती हूँ। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। तो आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उस तेल से पकौड़ा को तल सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, पहले तेल को अच्छे से गर्म करें, उसके बाद गैस को लो फ्लेम पे करके उसके बाद पकौड़ों को डालें तेल के अंदर। बिना तेल गर्म किए हुए पकौड़े को ना डालें और कभी भी हाई फ्लेम पे पकौड़ा को ना तलें। एक एक करके डालिए थोड़ा दूरी बनाकर। जब आपका पकौड़ा एक तरफ से पक जाए तब आप उसको दूसरे तरफ से पका लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये एक तरफ से पक गया है, तो मैं इसे पलट दे रही हूँ। तो दोस्तों, मैं इसमें ना मीठा सोडा डाली हूँ ना बेकिंग पाउडर डाली हूँ। हलवाई लोग जो होते हैं वो डालकर बनाते हैं, लेकिन मैं घर पे बना रही हूँ तो मैं वो सब का इस्तेमाल नहीं की हूँ। मैं एक छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल की हूँ, तो आप लोग को भी करना होगा। आप बेसन या सूजी या चावल के आटा जो भी लिए हैं उसको सही से मिक्स कीजिए। मिक्स करके उसे कम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़िए। अगर वो 5 मिनट रेस्ट पे रहेगा तो सूजी फूल जाएगा। तो आप पकौड़े बनाएंगे तो आपका पकौड़ा क्रिस्पी भी बनेगा और फूला फूला भी बनेगा। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर आपके पास समय है तो बिना मीठा सोडा बिना बेकिंग पाउडर के ही पकौड़ा बनाइए। वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है और हेल्दी भी होता है। आप देख सकते हैं पकौड़ा जो है पूरा बढ़िया से तैयार हो गया। तो मैं इसको तेल के अंदर से फटाफट निकाल ले रही हूँ। तो ऐसे ही सभी पकौड़े को तलेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये पकौड़ा का रेसिपी आप लोग को कैसा लगा। तो मेरा गर्मा गर्म पकौड़ा तैयार है। आप देख सकते हैं ऊपर से कड़क,
अंदर से नरम। तो मैं तोड़ के दिखा रही हूँ दोस्तों, आप देखिए कितना टेस्टी बना है। अगर आप लोग को भी ये रेसिपी पसंद आया है तो आप लोग भी मीठे चटनी के साथ, तीखे चटनी के साथ ट्राई ज़रूर कीजिए, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। तो मैं जा रही हूँ खाने। थैंक यू।